आप बेटी मानती हैं मुझे, बताइए तो सही क्या हुआ है? ये लोग मेरी झूठ की शिकायत लेकर आए क्योंकि इनकी जो मैंने बहिमानी पकड़ ली थी, तुम्हारी दुकान तो मैं बंद करवा के रहूंगा। आपको जो करना है करके देख लीजिए, हम तो यहाँ अपनी बच्ची से बस सच कहने आए थे, क्योंकि जो सच कहता है उसके साथ साई होते हैं, और जिसके साथ साई हो उसे आपकी धमकी का कोई डर नहीं। हमें पता था तुम जान के किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं भेजोगी जो हमारी बेइज्जती करे, इसलिए सोचा तुम्हें बता दें। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ, मैंने तो सिर्फ मदद मांगी थी। ये लीजिए बाकी के पैसे। शुक्रिया बेटी। मदद मांगने में कोई बात नहीं है गौरी, लेकिन मदद मांगने से पहले इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मदद किससे ले रही हो, कहीं वो तुम्हारे काम के साथ साथ तुम्हारे रिश्ते ना बिगाड़ दे। हम चलते हैं। चलो। ये तो कह रहा है आपने ही इसे मेरे घर से फूल लाने के लिए भेजा है। संतोष, मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा था कि बगैर पूछे फूल तोड़ लेना। गलती आपकी है, आपने देखा कि फूल लगे तो किसी को भी भेज कर तुड़वा लूंगा चुपके से। ऐसा नहीं है संतोष, बोलो ही नहीं। काका वो मैं ये मैं... तो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं रहा है। ऐसा डरपोक इंसान खुद क्या चोरी करेगा? अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि आपने ही इसे चोरी के लिए उकसाया है। संतोष बेटा, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? यूं ही बिना पूछे किसी की कोई चीज लेना चोरी कहलाती है। अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.